नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रत्न में रेशे का होना और रत्न का अंदर से चटका हुआ, अंदर से टूटा हुआ होना, दोनों अलग अलग बात है। कभी कभी हम रेशे को टूटा हुआ समझ लेते हैं और चटके हुए रत्न को उसमें रेशा समझ लेते हैं, जबकि जो रेशा होता है वह रत्न का मूल स्वभाव होता है और अंदर से टूटा हुआ रत्न वह खंडित होता है, वह किसी काम का नहीं होता, नुकसान कर सकता है। तो दोनों में क्या भेद है, अलग अलग एक टूटे हुए रत्न की वीडियो और एक रेशे वाले रत्न की वीडियो, दोनों में आज आपको दिखाऊंगा और बड़ी आसानी से आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि रत्न में रेशा है या रत्न अंदर से टूटा हुआ है। दोस्तों, इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेशे के विषय में। रेशा महंगे से महंगे रत्न में भी हो सकता है और वह रत्न का मूल स्वभाव है। जैसे व्यक्ति का एक्सरे कर दो तो उसकी नस नाड़ियां सारी की सारी अंदर दिखाई पड़ती है ना, इसी प्रकार रत्न जब खुला होता है, ट्रांसपेरेंस होता है, तो उसमें हल्की फुल्का कोई उसमें लाइनिंग दिख सकती है आपको, वो उसकी नसें हैं, वो पत्थर का जुड़ाव है, पत्थर की संरचना में वो चीज़ है। शीशा नहीं खरीद रहे आप, रत्न खरीद रहे हैं। ये रेशे वाला रत्न आप देखिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे रेशे आपको अंदर दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए जो बारीक बारीक धारियां आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चटका हुआ नहीं है, चटका हुआ की लाइन बहुत अलग दिखाई पड़ती है, वो फीलिंग आ जाती है अंदर से कि टूटा हुआ है। तो यह पत्थर का जुड़ाव है, पत्थर की संरचना में यह चीज है। इस प्रकार का रत्न रेशे युक्त होता है, उसमें अंदर उसका जो कलर है वह रत्न के साथ मिला हुआ होता है, अलग से नहीं होता। जबकि चटका हुआ रत्न के अंदर जो लाइन होती है वह थोड़ी सी चमकदार सी होती है। ये देखिए आप स्क्रीन पर, यह रत्न अंदर से टूटा हुआ है। तो इस अंदर से चटके हुए टूटे हुए रत्न की जो लाइन है वह थोड़ी सी चमकीली है और जो रेशा अंदर दिखाई पड़ता है वह लाइन चमकीली नहीं होती है। मूलभूत अंतर है, यह फर्क होता है। तो यह टूटा हुआ रत्न आप देखिए और इसका अध्ययन कीजिए कि रत्न अगर अंदर से टूटा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी जो लाइन है उसमें थोड़ी सी चमक बनी रहती है, थोड़ी सी सफेदी बनी रहती है। टूटे हुए रत्न की लाइन में सफेदी बनी रहती है। और अब ये दोबारा से फिर ये रेशे वाला रत्न आप देखिए, इसमें कितना भी आप देखें रेशे बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इसकी जो लाइनें आपको दिख रही हैं, रेशा दिख रहा है हल्का फुल्का, उसमें सफेदी नहीं है होती कहीं भी। तो ये मूलभूत अंतर होता है। दोस्तों, रेशे युक्त रत्न पहनने में कोई भी दोष नहीं होता, वह बढ़िया होता है, रत्न का मूल स्वभाव होता है। महंगे रत्न में भी रेशा हो सकता है हल्का फुल्का, और यदि आपका महंगे से महंगा रत्न भी अंदर से टूटा हुआ है, उसकी लाइन में सफेदी है, तो वह दिक्कत कर सकता है। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे। तब तक के लिए नमस्कार।